आगे भी गार्ड्स, पीछे भी गार्ड्स। गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू यू। हेलो भाई बॉयज, कैसे हो यार तुम सब लोग? हम लोग वापस आ गए एक और व्लॉग के साथ, और बड़ा हैवी किस्म का व्लॉग आज हमने प्लान कर लिया है। देखो, कभी ऐसा हुआ कि तुम लोग रोड पे जा रहे हो और तुम लोग देखो कि भाई गार्ड शार्ट्स के साथ एक बड़ा सेक्सी किस्म का प्रोटोकॉल जा रहा हो, और तुम कहो कि भाई ये कोई हैवी पार्टी है, या फिर अगर किसी ने ब्रेक ले ब्लैक रेवो क्या होता है? जंग लग गया भाई, व्लॉगिंग को जंग लग गया, दोबारा शुरू होना पड़ेगा। अगर कोई ब्लैक रेवो लेके आ रहा है तो भाई आप आज के दिन आपके भाई के पास भी ब्लैक रेवो होंगे, गार्ड्स होंगे, क्योंकि आज हम लोग बना रहे हैं फेक प्रोटोकॉल। तो आज मैं किसी तरह का भाई पॉलिटिशियन कह लो, सेलिब्रिटी कह लो, बस कुछ बनने वाला हूँ जिसके साथ प्रोटोकॉल होगा, और लोगों का रिएक्शन देखेंगे, जाके किसी फूड स्ट्रीट में जाएंगे, वहाँ पे खाना शाना खाएंगे, बहुत मजा आएगा। अगर तुम लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि इस पे आने वाली है फुल वाली व्लॉगिंग। अभी तो ये इस तरह की डेली व्लॉगिंग टाइप होगी, लेकिन इसके बाद जो सीन आने वाला है वो सीन हैवी होने वाला है, क्योंकि चैलेंजेस टाइप फुल मतलब अच्छे वाला कंटेंट आएगा। तो सब्सक्राइब। मैं अभी इसकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो तुम लोग बेहोश हो जाओगे। शट द फक अप यार, प्रोटोकॉल। मैं माइक्रो सेलिब्रिटी हूँ, मुझे नाश्ता कराओ अच्छा सा, कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल नाश्ता क्यों नहीं लगा अभी तक मेरा? चुप करके बैठ, जिन्नी तेरी कहा थे उठे रह। ये देखो गाइस, अभी मैं क्या करने लगा, ये BMW पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूँ जरा। Women. चप्पड़ मार दूंगा अगर। ऑडी है पागल। गुड मॉर्निंग बॉय। अच्छा तो भाई, द मैन हिमसेल्फ इज हियर, जिसने ये सारा कुछ अरेंज किया है। कैसे हो भाई? क्या हो गया, डर लग रहा है? सबकी भट्टी भी नीचे। क्यों? सारे ना क्रिकेट खेल रहे थे, सारे साइड पे हो गए भाई। वही हैवी सीन होने वाला है। पिका कह रहा है कि वो नहीं आएगा। गार्ड्स को बुलाना जरा ऊपर, गार्ड्स को एक दो को ऊपर लेके आना जरा, इसको उठाते हैं। उठाए। चलो भाई, मुझे लग रहा है अब ये जो कच्चा बनियान है ये भी चेंज कर लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं प्रोटोकॉल के अंदर से निकलूं और लोग कहें कुछ तरीका है भीख मांगने का। तो मैं जल्दी से जरा आउटफिट चेंज कर लूं अपना। A few moments later. प्रेसिडेंट का बेटा और प्रेसिडेंट का नाजायज बेटा और ये प्रेसिडेंट का साइड किक जो है वो सब रेडी है जाने के लिए। और बाय द वे, हम सब फेक हैं, सबने फेक सेलिब्रिटी बनना है, फेक अमीर बनना है, हम बहुत अमीर हैं। ऐसे नखरे में रहना है, ठीक है? ऐसे ऐसे चलना है, फुल भरम में चौड़े में। तो जी बॉयज, हम आ चुके हैं, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। चलो भी गाइस, हम लोग सक्सेसफुली जो है वो अंदर पहुंच गए हैं। कैसा लग रहा है? सब देख रहे हैं। डर लग रहा है? डरने की जरूरत नहीं है, आज आज तुम सबसे सिक्योर गाड़ी में बैठी हो, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबकी फटी हुई भाई। हमारी क्यों फटी हुई है? उनकी फटी हुई है, देख रहे हैं। प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम सेलिब्रिटी में के हैं नहीं। अच्छा तो भाई, अभी हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने जा रहे हैं और सबसे बड़ी आइसक्रीम खानी है हमने अभी वहाँ की, क्योंकि अभी हम क्या है, VIP है, ठीक है? VIP बड़ी खाते हैं आइसक्रीम। अस्सलामुअलैकुम, कौन सी आइसक्रीम खानी है? कोई भी चलेगी। नर्वस क्यों हो रही हो? क्या हो गया? बताओ कौन से फ्लेवर ये लगे हुए हैं सामने? वनीला, कॉफी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, चॉकलेट। ये तो कौन है फ्लेवर, आप बताओ भाई। पीछे देखो सब खड़े हैं, ऐसे ऐसे आना है आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाने आई हो तुम चार गार्ड्स के साथ? आइसक्रीम फट जाएगी क्या तुम्हारे मुँह में? गार्ड्स लेके आए किसी ने, हम इतने मजे की है वाकई, मुझे भी खिलाओ ना। अब बताओ कैसा फील हो रहा है भाई? मैं इंट्रोवर्ट हूँ, पूरी दुनिया वैसे देख रही है ना, हर किसी की नजर है हम पे है, सारे देख रहे हैं ये कौन प्रेसिडेंट के बच्चे पहुंच गए आइसक्रीम खाने। तुम्हारा क्या धरा भाई? भाई मच्छर, इधर मच्छर के साथ जुल्म हो रहा है, रूह भी निकल गई उस बेचारे की, अभी भी उसको शौक लगी जा रहे हैं। पीछे एक वेटर कह रहा था कि किसी बड़े अफसर के बेटे बैठे हैं, बहुत बड़े। चलो भी, अभी हमने आइसक्रीम वगैरह खा ली है, अब हमने जाना है सीधा हुसैनाबाद रश वाली जगह पे, और जाके हमने करनी है वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग। ये देखो भाई, साथ पूरा प्रोटोकॉल जा रहा है, वो सामने खड़ी है गाड़ी, अभी आओ जाके बैठते हैं और जाके शॉपिंग वगैरह करके देखते हैं
जहाँ पे रश होगा ना वहाँ सबसे ज्यादा मजा आएगा। अभी इधर पहुँच गया हम लोग और रश अन्य वहाँ लगा हुआ है क्योंकि आज संडे भी है। अब रेडी हो जाओ क्योंकि सब तुम्हारे मुंह पे देख रहे होंगे कि ये कौन से पता नहीं किसकी बेटी आ गई है। अभी इसे अंदर देख रहे हैं तो भाई मैं खुद अनकम्फर्टेबल हो गया क्योंकि मैं इतनी देर बाद व्लॉग बना रहा हूँ। भाई आ गए हैं हम लोग इधर, आ जाओ। किधर गई है? उठा के तो नहीं ले गया? अच्छा तो मैं ढूंढ रहा हूँ, कब से तो मैं ढूंढ रहा हूँ तुम। आगे भी गार्ड्स, पीछे भी गार्ड्स, और इतना गंदा वाला रश, कैसा लग रहा है? सारे मुंह देख रहे हैं तुम्हारा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले तो जाके खाते हैं गोलगप्पे, एक प्लेट सिर्फ, ठीक है? क्या करें यार, मेरा अपना दिमाग नहीं चल रहा, बंद हो गया। साथ आ रही है। अच्छा यार, अभी पहले हमने गार्ड्स को खाना खिलाना क्योंकि सुबह से गार्ड्स ने खाना नहीं खाया हुआ, तो गार्ड्स पहले खाना खाएंगे उसके बाद फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे। अभी मैंने क्या करी, चुप हो जा। अच्छा सॉरी, वो अभी फुल फील्ड में चली गई है। अभी गार्ड्स को पहले खाना खिलाते हैं उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम तब तक बैठ के कुछ प्लानिंग वगैरह करेंगे कि और क्या करना है यहाँ पर। स्नैचिंग वाला अब आएगा तो स्नैच होके चला जाएगा उल्टा, है ना? यार लिटरली यहाँ पे सारे के सारे लोग हमें देख रहे हैं, हमारे वजह से ट्रैफिक भी ब्लॉक हो रहा है, ये थोड़ा बुरा लग रहा है। ये गलत हो रहा है यार, इतना तो इतना ज़्यादा नहीं कर रहा था। खैर हम जितना कोशिश कर रहे हैं साइड पे होके चले, उतना हम कोशिश कर रहे हैं साइड पे होके चले, उतना साइड पे होके चल रहे हैं। रास्ता बहुत छोटा है और गार्ड चारों तरफ से कवर कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी है। तो भाई गलत लग रहा है, बस किसी जगह बैठना चाहिए। गलत कर दिया हमने आज, ऐसा लग रहा है। भाई हम लोग यहाँ बिरयानी मास्टर में जाके बैठने लगे हैं जब तक गार्ड वगैरह खाना खा लें। ये हमने रोड क्रॉस कर ली भाई, फुल प्रोटोकॉल के साथ हो रहा है सब कुछ। लिटरली मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या करूँ, इतनी अटेंशन नहीं चाहिए थी जिंदगी में भाई। अब किसी को गाड़ी वाले को बाइक वाले को गुजरने नहीं दे रहे वो लोग भाई, बहुत हैवी सीन हुआ है भाई। मैं इतना टेंशन का वो नहीं हूँ, मुझे मैं छुप के रहना पसंद करता हूँ। वो लोग तो गाड़ियों को ऐसे रोक रहे हैं, बाइकों को ऐसे रोक रहे हैं, चारों तरफ के घेरा बना के चल रहे हैं वो भाई। एक सेकेंड तो भाई इतने वो चार चार गार्ड्स उधर बैठे हैं, ये क्यों लेके घूम रही हो तुम? गार्ड्स को टेस्ट करने के लिए। तो गार्ड्स किस काम के हो जब गार्ड्स को टेस्ट करना पड़ रहा है? गार्ड तुम्हारे खिलाफ है तो उन्हें भी ना कुछ करना पड़ेगा ना। पैसा बर्बाद पहन। ओए 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 ये तुम्हें नहीं करो यार, ऐसा मजाक नहीं कर। बंद है पागल थोड़ी हो। सारे घर वालों ने देख ली थी, देरी होती तो आज ये ना होता। हाँ भाई पानी पूरी भी आ गई है, पता नहीं क्यों हम यहाँ रोड पे बैठ के खा रहे हैं पानी पूरी। एक गार्ड वो खड़ा है जनाब, और एक दो गार्ड पीछे खड़े हैं। अभी फुल हैवी सीन चल रहा है और इसमें गोलगप्पे खाएंगे आप। यार इतने मजे के गोलगप्पे, हैवी। तुम्हारी अभी और कैपेसिटी है? बोल तो एक ही दो खाए हैं इसकी लगी नाक में चढ़ गया। मैं ये नहीं खा रहा यार, बहुत मज़े के लग रहे हैं लेकिन हालत टाइट हो गई है। तो हमने जाना है इसके पापा और भाई की शॉप पे और उनको जाके हम लोग प्रैंक करना है। असली पुलिस वाले उधर घूम रहे हैं मेरे साथ ही, गार्ड्स मैं नहीं जाता इनको। भाई फुल हैवी सीन्स के साथ हम लोग चल रहे हैं, चौड़े में आ रहे हैं। मुझे बुरा अलग बात है, मुझे बुरा लग रहा है कि लोगों को रोक रहे हैं, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई रुके, लेकिन यार अब वो कर रहे हैं, उनका काम है। तो अभी बस गाड़ी पता नहीं किधर पार्क की है उन लोगों ने। आ गई भाई अपनी गाड़ी, चलो भाई अंदर। अभी हम लोग जा रहे हैं इनके पापा की शॉप पे और उनको जाके हमने करना है प्रैंक वैंक। उनको नहीं पता हम कहाँ हैं, उनको नहीं पता हम गार्ड लेके रेवो लेके उनके अंदर दुकान में घुसने वाले हैं। उनका रिएक्शन बहुत मजे का होगा, उनका रिएक्शन भी बहुत मजे का, उनके वर्कर्स का रिएक्शन भी बहुत मजे का होगा। पहुंच गए हम लोग सबार, हफीज भाई बैठे हैं लिली के बड़े भाई, अभी देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, कैसे है? हम गार्ड्स के साथ आए हैं, निकाल दें जो कुछ भी है। ये लो पकड़ो, गार्ड के साथ मिलके चोरी है। ओके अगली बार घर के अंदर घुसेंगे, दुकान के अंदर घुसेंगे सीधा।
चलो भाई सब देख रहे हैं, भाई सब देख रहे हैं क्या चल क्या रहा है इधर। अच्छा अब इसकी जो बड़ी बहन है हिना वो रस्ते में है और वो आ रही है इधर, और हमें क्या करना है, किधर छुपना है? हम कहीं भी यहाँ कोने पे हो जाएंगे, हिना यहीं आएगी डायरेक्ट, गार्ड्स इन दोनों को अंदर करे फौरन। हमने कहना गार्ड्स दो लोग आ रहे हैं उनको अंदर करना है गाड़ी में, उनको डराना है, इसके पापा और इसकी बहन, मजा आएगा। अच्छा अभी इनके जो है वो पापा और इनकी जो बड़ी बहन है वो बाइक पे आ रहे हैं, अब जब से वो वहाँ से आएंगे ना हम आपको बता देंगे वो लोग आ गए हैं, ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उनको उठा के गाड़ी में बिठा देना, थोड़ी देर बस उनको गाड़ी में बिठाना है, उसके बाद हम आगे आके उनको कह देंगे, उनको बस आपने कहना है कि आप गाड़ी में आ जाए, वो जब बैठ जाएंगे थोड़ा सा डर जाएंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे उनको कहेंगे उनके साथ प्रैंक हो गया, बस ये इतना सा करना है। डर गए ये गार्ड थे हमारे, आज हम वीआईपी लाइव जी रहे हैं। अरे यार बहुत गंदा प्रैंक किया आज। भी डरा दिया। अरे भाई आपको नहीं पता था हिना को शायद इस बारे में थोड़ा बहुत पता, थोड़ा बहुत ज्यादा, पर की तो है ही नहीं। अच्छा एक पहली बात मेरे को आती इन्होंने बोल दिया आप रुक जाए, हमने कहा था इनको अच्छा गाइज ये हम साइड पे आए हैं पिका के लिए एक और सरप्राइज ये बंदा लाया है, ठीक है? ये आपने जाके उसको दे देना, कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है? उसको दे देना और कुछ भी नहीं कहना, पिका के लिए बड़ा सरप्राइज। क्या जी आओ जरा मेरे डर तो नहीं लगा था जब आए थे? डरूंगा ना यार, पापा क्या बोले, गाड़ी में नहीं बैठूंगा मैं, बैठ बैठ के आपको क्या लगा क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं? नहीं क्या मैंने बोला कुछ हो गया भाई गड़बड़, हम उधर भी छुपे हुए थे, आधे उधर छुपे हुए थे आधे उधर छुपे हुए थे, ये सारी तुम्हारी प्लानिंग, मजा आ गया यार कसम से, पूरा दिन आज का प्रोटोकॉल में गुजारा हमने भाई, सारा क्रेडिट तुम्हारा क्योंकि इसने सारा कुछ अरेंज किया, मजा आ गया यार। अब खत्म हो गया, घाट चले गए भाई, तो बस मेरे ख्याल से व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, अगर तुम लोगों को व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दो, ये पर्स बाय।